गलत काम कर रहे हैं, जा रहे हैं स्कूल देखने के जा रहे हैं। मंत्री जी ने कहा है कि हम इनवाइट करते हैं सिसोदिया जी को, क्या है वो हमारा स्कूल देखें। ये तो प्रदेश सरकार के शिक्षा मंत्री का ट्वीट है। आपसे हम कोई बहस ही नहीं कर रहे हैं, हम तो कह रहे हैं सही है। एक शिक्षा मंत्री ने दूसरे शिक्षा मंत्री को बोला भाई ये हिंदुस्तान का हिस्सा है ना। स्कूल देखने में डायरेक्शन मिलेगा सर, मुझे तो फॉलो करना पड़ेगा। स्कूल देखने से आप कैसे रोक सकते हो? मैं रोक नहीं रही हूँ, नहीं सर देख रहे हो क्या? तो अरेस्ट कर रही है, डिटेन कर रही है, क्या कर रही है? सर मुझे सर ने कहा आपसे बात करवा दे, जो होगा। और अगर मैं मना करूं कि मैं तो जाऊंगा स्कूल में, सर जो आगे जो डायरेक्शन प्राप्त होगा तो वहाँ पे तो बोलना पड़ेगा। आप अरेस्ट कीजिए फिर। सर मनीष सर है सर, बात करना चाह रहे हैं। क्या सर, मनीष सर बात करना चाह रहे हैं। हेलो जी कमिश्नर साहब, ये आपकी एक मैडम आई हैं डॉक्टर बीनू सिंह जी। हाँ, ये कह रही हैं कि मैं आगे नहीं जा सकता हूँ, क्या कोई अपराध हो गया या दंगा वंगा हो गया शहर में? हाँ जी बताइए बताइए। पीछे चलो, पीछे बना लो भाई। हेलो पीछे बना लो, एक मिनट बना लो भाई। भाई मोबाइल हाँ। पीछे कर लो, पीछे करके बना लो। हाँ। हम लोग भी हैं। यार कह रहा हूँ तो सुनी, मैं जा रहा हूँ स्कूल देखने। आपके जो शिक्षा मंत्री जी हैं उन्होंने कहा था कि मनीष जी आइए हमारे स्कूल देखने, मैं जा रहा हूँ। नहीं तो मुझे आप लखनऊ में घूमने से रोक लेंगे? क्यों मतलब लखनऊ में मैं फ्री नहीं घूम सकता हूँ? लखनऊ में फ्री नहीं घूम सकता हूँ मैं? मतलब ये अपराधी हूँ मैं क्या कि मैं लखनऊ में फ्री नहीं घूम सकता हूँ? एक शिक्षा मंत्री के बुलाने पे आपकी अनुमति से जाऊंगा मैं, माल हो गया। मतलब पुलिस कमिश्नर साहब आप ये तय करेंगे कि दिल्ली का शिक्षा मंत्री लखनऊ में आके कहीं जाएगा तो पुलिस कमिश्नर की अनुमति से जाएगा? तो मैं तो जा रहा हूँ, आप अरेस्ट कर लीजिए फिर। आप अरेस्ट करेंगे नहीं तो ये कौन से कानून में कर रहे हैं? संविधान में कहाँ लिखा हुआ है, कौन से कानून में लिखा हुआ है कि आप शिक्षा मंत्री को रोकेंगे स्कूल में जाने से या कहीं भी? नहीं तो आप अवैध तरीके से किसी आदमी की लिबर्टी को कर्टेल करेंगे। आप मुझे लखनऊ में घूमने से रोकेंगे, लखनऊ में कहीं जाने से रोकेंगे, तो बहस तो करनी पड़ेगी ना, किसी कानून में तो कर रहे होंगे ना आप। मैंने सोच नहीं, परमिशन नहीं मैं मांगूंगा आपसे। आप परमिशन देने वाले कोई नहीं होते हैं, आप माफ कीजिएगा कमिश्नर साहब, आप परमिशन देने वाले कोई नहीं होते हैं। मैडम हटाइए, नहीं अभी तो सरकार जब तक निर्देश नहीं होगा या तो आप अरेस्ट करिए। हमारे करिए आप, आपको कानून का इशू है, आप करके चला चलिए भाई। कितने का इशू है भाई? हम उत्तर प्रदेश के शिक्षा मंत्री ने कहा आप हमारे स्कूल देखने आइए। अब मैं यहाँ पे एक स्कूल देखने जा रहा हूँ तो कमिश्नर साहब मुझे फोन करके कह रहे हैं कि आप हमारी अनुमति से जाएंगे, हम आपको अनुमति नहीं दे रहे इसलिए आप जा नहीं सकते। तो ये तो मैंने उनसे पूछा कौन से कानून के तहत आप मना कर रहे हैं, तो कह रहे हैं कोई कानून नहीं है, हम तो बस आपको मना कर रहे हैं, तो स्कूल देखने जाने से मना कर रहे हैं या मुझे कह रहे हैं लखनऊ में आप कहीं जाएंगे तो हमारी अनुमति से जाएंगे? तो अब सर क्या आपका अगला नहीं, ये लोग अरेस्ट करें क्या है? इनको तय करना है कौन से कानून में अरेस्ट करेंगे, कौन से कानून में मना कर रहे हैं कि हम लखनऊ में जा नहीं सकते। जैसा कि आपने सुना है जितने अब रोक लिया गया है, बजट क्या बताई जा रही है? वजह कोई नहीं बताई जा रही, वो पुलिस का यूज करके वो चाहते हैं कि स्कूल ना देख पाऊँ, इसका मतलब
बीजेपी सरकार योगी मॉडल मान रहा है कि लखनऊ के स्कूल, राजधानी के स्कूल भी बहुत खराब हैं और मुझे वो नहीं कहना चाहते कि मैं स्कूल देखने जाऊं। हालांकि उन्होंने ओपन चुनौती दी थी कि आप आइए हमारे स्कूल देख लीजिए, लेकिन जब मैं स्कूल देखने जा रहा हूं तो पुलिस का पूरा बेड़ा लगा के रोक रहे हैं। कमिश्नर साहब ने अभी फोन करके कहा कि हम आपको आगे नहीं जाने देंगे। तो आप क्या करेंगे? अभी वेट कर रहे हैं, पूछते हैं कौन से कानून पर। कुछ कानून है देश में, संविधान लागू है इस देश में। ऐसे थोड़ी आप लखनऊ में कोई भी व्यक्ति आएगा उसको कहेंगे आप घूम नहीं सकते, यहाँ पे जा नहीं सकते कहीं। अच्छा, प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने वीडियो भी दिखाई दिल्ली के केजरीवाल मॉडल की, तो क्या आप चूंकि योगी मॉडल तो देखने से रोक दिया, तो योगी मॉडल यही है कि उन्हें शर्म आती है कि अगर मीडिया के कुछ साथी एक्चुअली सरकारी स्कूल पहुंच गए मेरे साथ में तो उनकी पोल खुल जाएगी, इसलिए वो योगी मॉडल को छिपा के रखना चाहते हैं, पुलिस के पहरे में योगी मॉडल को रखना चाहते हैं। अच्छा, विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी आपका दौरा भी है उस लिहाज से भी है, तो विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है कि ये जो है मतों को बांटने की कोशिश हो रही है विपक्ष की। देखिए, आज पूरे उत्तर प्रदेश में एक ही विपक्ष है, आम आदमी पार्टी, और योगी जी के कुशासन पे, योगी जी के तानाशाही पे अगर कोई व्यक्ति बोल रहा है तो केवल और केवल एक नेता बोल रहा है, संजय सिंह। तो संजय सिंह एकमात्र विपक्ष है लखनऊ। अच्छा मनीष जी, स्ट्रेटजी क्या होगी, क्योंकि यूपी के हालात आप देख रहे हैं, आप लगातार सवाल उठा रहे हैं, कह रहे हैं आम आदमी पार्टी विपक्ष की भूमिका में, बाकी सब शून्य के आसपास है, तो आपकी स्ट्रेटजी क्या होगी 2022 के लिए? 2022 में चुनाव आएगा तो जनता देख रही है कि योगी जी ने पिछले 4 साल में कुछ उनके लिए किया नहीं है, तो वो केजरीवाल मॉडल जिसमें आम जनता के लिए बिजली, शिक्षा, स्कूल, अस्पताल, पानी, इन सब पे काम होता है, वो लेके आएगी जनता। कैसे अलग पा रहे हैं आप केजरीवाल मॉडल को, मतलब क्या यूपी में खराब है? और जो यही मॉडल है, हम तो चुनौती देके कहते हैं हम 1000 स्कूल दिखाएंगे। मैं उत्तर प्रदेश की राजधानी में खड़ा हुआ हूँ, वो कह रहे हैं हम आपको एक भी स्कूल नहीं दिखा पाएंगे, वरना अगर आप जाओगे तो हम पुलिस लगा के रोक देंगे। कमिश्नर साहब से भी बात कर रहे थे आप? कमिश्नर साहब कह रहे थे जी हमें नहीं पता, बस आप फ्री नहीं है, आप जा नहीं सकते ऐसे स्कूल। मतलब उनको भी पता है कि उनकी सरकार जो है, जो अभी मौजूदा सरकार है योगी जी की, योगी सरकार में स्कूलों पे काम नहीं हुआ, ये कमिश्नर साहब बोलते हैं। वो स्कूल देखने जाने के लिए भी यहाँ इजाजत नहीं है, इसका मतलब योगी मॉडल में स्कूलों में कोई काम नहीं हुआ, वो अपने फेल मॉडल के एक्सपोज होने से आज डर रहे हैं। तो अब आगे आगे का क्या प्लान रहेगा? नहीं, इसमें प्रोटोकॉल की बात ही नहीं है, मैं तो एक स्कूल देखना चाहना चाह रहा हूँ, वो मना कर रहे हैं कि जिन्हें स्कूल नहीं देखना, बस स्कूल देखने से डर लगता है। हम उनको कह रहे हैं आप दिल्ली का कहीं स्कूल देखने चले जाइए, हम कहीं नहीं रोकेंगे आपको और हम साथ लेके चलेंगे। मैं उनसे कह रहा हूँ आप मुझे अपने स्कूल दिखा दीजिए, वो कह रहे हैं हम पुलिस लगा के रोक देंगे आपको। तो अब आगे क्या प्लान रहेगा? अभी विचार कर रहे हैं, देखते हैं कौन सा कानून बनाते हैं स्कूल देखने से रोकने में या मुझे। तो भाई पीछे से हटेंगे नहीं, पीछे होने की वजह से बैरिकेडिंग लगा दी गई है, देखिए देखने जाना चाहता है तो उसको पुलिस से रोक देती है, तो उसको हटा नहीं। जैसे कि आज आपने बीजेपी मंत्री द्वारा एक बात करने की बात कही थी लेकिन नहीं आ पाए, वो ना तो बहस करने के लिए आए, अब मैं स्कूल देखने जाना चाह रहा हूँ, स्कूल देखने मॉडल फेल है, जब जब जनता है, पुलिस वाले
इसका मतलब योगी जी मान रहे हैं Come on.